अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आज हमारे किचन में बनने जा रहे चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमें कीमा चाहिए 1 किलो, हमें प्याज चाहिए 3 अदद, इस तरह से बारीक चॉप हुई हुई, इस तरह की नॉर्मल साइज़ की 3 मैंने प्याजी ले ली हैं। मैंने एक पूरा जावा जो लहसुन का होता है गोल सी, जिसको आप लोग पोटी कहते हैं, वो ले लिए मैंने एक, और हाफ अदरक ले लिए। उसके बाद मैंने 3 अदद टमाटर लिए, मैं इसको चॉप कर रही हूँ। 8 से 10 मैंने मिर्ची ली हैं, जिसमें जो हरी मिर्चों में जो लाल मिर्ची हो जाती है ना, मैंने वो भी इसमें डाली हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया मैंने 1 कटोरी ली है बारीक कटी हुई। मकई का आटा मेरे पास 1 कटोरी है। चपली कबाब का मसाला, इसमें मैंने नेशनल का मसाला भी शामिल किया है और अपना भी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च डाली है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है। अपना मसाला मैं आपको बता रही हूँ, जीरा साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ मैंने डाला है इसमें 1 1 टी स्पून। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है पिसी हुई, मैंने इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है, मैंने इसमें नेशनल का चपली कबाब मसाला 2 टेबल स्पून डाला है, और मैंने इसमें बेसन भुना हुआ डाला है। इस मसाले के अंदर बेसन भुना हुआ डाला है 2 टेबल स्पून। नमक हसबे ज़रूरत, क्योंकि मसाले में भी नमक है और इसमें भी आप एहतियात से डालिएगा नमक। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सॉरी, मैं आप लोगों को अंडे का बताना भूल गई थी। 4 अदद अंडे हैं, 2 हम कच्चे डालेंगे और 2 हम पका के डालेंगे। तो सबसे पहले हम अंडों का ऑमलेट बना लेते हैं। 2 अंडों को फेंटेंगे नमक और काली मिर्चों के साथ। ये हमने देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, बस ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें ये अंडे डाल दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह का ऑमलेट हो गया। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, उसको ठंडा कर लूँगी। अब ये देख सकते हैं कि मैं इस कीमे में ये लहसुन जो मैंने बारीक कूटा था, मतलब अदरक प्याज, मैंने आपको बताया है 3 अदद प्याज, लेकिन आप पहले चॉप करके देख लीजिएगा 2 प्याजों को, अगर वो पूरी हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 4 प्याज डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें, मसाला पहले हाफ डालिएगा फिर हाफ डालिएगा। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये टमाटर शामिल कर देंगे इसमें, धनिया, मिक्स कर लेंगे। अब मुझे मसाला कम लग रहा है तो जो बाकी बचा हुआ मसाला है मैं वो भी डाल दूंगी। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब ये मकई का आटा, अब हम बहुत एहतियात से इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये बैटर जो है हमारा पतला ना हो। इसको हाथों की मदद से फिर मिला लेंगे। मुझे अंडे कम लग रहे थे तो मैंने जो पूरा 2 अंडों का जो बैटर बनाया था मैंने वो दोनों इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए जो है वो मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी। हमारे पास ये
ऑमलेट था, तो ऐसे करके अच्छी तरीके से इसको छोटा छोटा कर लेंगे। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक सीधी प्लेट ले ली है और आधा घंटा हो गया है मेरे मसाले को मिक्स हुए हुए। मैंने पैन में तेल डाल दिया है। अब मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा तेल लेके इसमें ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरीके से प्लेट को। एक दफ़ा और मैं इसको मिक्स करूँगी मसाले को इस तरह से। एक और ले लूँगी थोड़ा सा। प्लेट को यूँ रख के थोड़ा सा इसको फैला लूँगी। अल्लाह मदद करेगा ये फटेंगे नहीं। चलिए हम इसी तरह से अपने और चपली कबाब बना के रख लेते हैं तब तक हमारा तेल गर्म होता है। देख सकते हैं आप ये मेरी नॉर्मल आँच है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। हाथों की मदद से किनारे इसके सही कर लिया। मेरा पैन छोटा है तो मैं इसमें दो डालूंगी, आधा नहीं डालूंगी ताकि हमें पलटने में आसानी रहे और इसको ज़्यादा पलटते नहीं है और ज़्यादा तलते भी नहीं है। और ज़रा सा ये पिंक कलर का हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। दो चमचों की मदद से इसकी मदद से मैं इसको पलटूंगी इस तरह से। ये अभी हुआ नहीं है हो जाता है तो फिर हम इसको पलटते हैं। तो देखें इस तरह से ये इस तरह से इसको पलटते हैं। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी ऐसे रख के पलट देंगे ताकि ये टूटे ना। थोड़ी सी टाइम और वेस्ट कर लेंगे।
आप देख सकते हैं मज़ेदार से शामी सॉरी चपली कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।